हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वित्त के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसमें एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल। कोई समबाहु त्रिभुज है 9 सेंटीमीटर, उसका क्या भुजा है, उसको कहा सर्किल के अंदर क्या किया, इंस्क्राइब किया गया। तो हम एक सर्किल बना लेते हैं, ये रहा सर्किल। इसके अंदर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड क्या है, 9 है। तो जैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मीडियन खींचेंगे। तो मीडियन क्या करेगा, ये जीवा को, ये कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट देगा। कितना हो जाएगा, 9/2 और 9/2। तो हम जानते हैं, तो यहाँ से हम नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये हाइट हमें निकालना होगा ये मीडियन का। तो ए डी कैसे हम निकाल सकते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस ये वाला साइड का स्क्वायर, 9/9 स्क्वायर/4। तो ए डी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉमन, 81 बचेगा। कितना, 4 में से 1 गया 3/4, तो 81 है, कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा, √3 तो अंदर ही रहेगा। फिर 4 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2 कितना आएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या, ए डी मीडियन आ गया। हम जानते हैं क्या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है, कि ये जो सेंट्रॉइड है सर्कल का, ये मीडियन को क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करता है। हमेशा क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। हमें निकालना क्या है, ये रेडियस निकालना है, ओ ए। तो ओ ए अपॉन, ओ ए कितना है, 2 यूनिट अपॉन क्या, ये हाइट हमें मालूम है ए डी, कितना हो जाएगा, ये कितना यूनिट हो जाएगा, 2, 1, 3 यूनिट। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, ओ ए बराबर 2/3 ए डी। ए डी में आ चुका है यहाँ, तो यहाँ पे डाल देंगे 2/3 इंटू ए डी कितना है, 9√3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 बार में 9 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या मेरा ये रेडियस, ए ओ क्या था, रेडियस था, तो मेरा ए ओ कितना आ गया, रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल। तो हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करना है, जो क्या है, सर्किल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, बनाया गया है। तो इंस्क्राइब यानी अंदर, सर्किल के अंदर बनाया गया है, ये रहा। अब यहाँ पे सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, तो हम जानते हैं जब ये रेडियस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो 5 तो हो जाएगा यहाँ, 5 यहाँ, ये सेंटर अगर मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर का डायगोनल हो गया। स्क्वायर का क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। अगर ए बी सी डी स्क्वायर मानते हैं, तो बी सी कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो क्या है, विकर्ण है। जब हमें वर्ग का विकर्ण मालूम हो, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यानी BD का स्क्वायर 1/2। BD कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड, इसके साइड अगर मालूम हो, अगर डायरेक्ट रेडियस मालूम है, तो क्या कर सकते हैं, 2R स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, इससे भी आ जाएगा। एक ट्रिक है, 2 × R कितना था, 5 था, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे भी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो डायरेक्ट हम क्या ये भी लगा सकते हैं, 2 into ADS का स्क्वायर। तो ये लगाइए, दोनों सेंसर सेम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 44 स्क्वायर मीटर। तो एरिया लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 44 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, अब हमें एरिया ऑफ क्या करना है, विड्थ का एरिया फाइंड करना है। फॉर्म बाय ए सेम पेरीमीटर, जो क्या है सेम पेरीमीटर से बनाया गया, जितने पेरीमीटर से स्क्वायर बना उतना पेरीमीटर से हमें सर्किल बनाना है, उसका क्या करना है रेडियस। तो हम जानते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 into भुजा a इक्वल टू क्या होगा, 2πr। ये क्या होता है, सर्किल का परिधि होता है। तो हम यहाँ से r अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 r में कट जाएगा, 2a/π। ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल निकालना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर मेरा आ चुका है कितना, ये रहा। अगर इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, इधर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का जगह पर हम क्या डाल देंगे, ये डाल देंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कितना हो जाएगा, 4a² / π² तो 1π से 1π कट जाएगा, बचेगा कितना, 4a² / π बचेगा। यहाँ पे दिया हुआ कितना है एरिया, ये ए स्क्वायर क्या है, वर्क का साइड है, उसका स्क्वायर यानी एरिया कितना है, 44 है। 4 into a² का जगह 44, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई को 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 22 × 44, फिर क्या आ जाएगा, 7×8 = 56। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 56 स्क्वायर मीटर, कितना आ जाएगा, 56 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप फार्मूला ये भी लगा सकते थे, अगर क्या दिया हो, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ हो, सेम पेरीमीटर पे हो, और क्या बोल रहा हो, सर्किल का सेम पेरीमीटर से एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना है, 4 into area/π। ये डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए वो आ जाएगा। तो यही तो यहाँ पे आया था, 4 into area/π आया था। डायरेक्ट ये भी लग सकता है, ये भी सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो इसका आंसर आएगा 56 स्क्वायर मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक 7 मीटर क्या है, चौड़ा है, वाइड है, इस 440 मीटर। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल, तो कोई दो सर्किल है, ये पहला सर्किल, ये क्या है, दूसरा सर्कल। ये पहले सर्किल का रेडियस हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। बड़े वाला सर्किल ये, इसको हम क्या मान लेते हैं, बराबर। इसके बीच का जो दिया हुआ है वाइड, कितना चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है। हमें छोटे का क्या दे दिया है, इनर सर्कमफेरेंस दे दिया है सर्कुलर ट्रैक का, कितना है, 444 दिया हुआ है। क्या इसका सर्कमफेरेंस, परिधि दिया हुआ है, तो हम जानते हैं क्या होता है, 2π। छोटे वाले का क्या है, रेडियस r है, इक्वल टू कितना, 440। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर इक्वल टू 440, 22 × 44 ये कट गया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 मीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये 70 मीटर आ गया। हम जानते हैं ये चौड़ा कितना है, 7 मीटर चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई हर जगह क्या होगा, ट्रैक का बराबर होगा। ये जो ट्रैक है सबका मोटाई या चौड़ाई क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से 7 हम क्या कर देंगे, बड़ा निकालना है, ये रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस तो यही है, तो 70 में से क्या कर देंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, 70 + 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 77 मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, क्विकली फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बताएं। और भी टी की वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं।